फ्रेंड्स, आप देख रही है मैजिक ट्रिक रिवील नाजू चैनल। सबसे पहले मेरा वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए दोस्तों, तो आने वाले न्यू वीडियो मेरा जितने भी अपलोड होगा सबसे पहले आएगा। मैं हूं नाजू और मैजिक ट्रिक रिवील नाजू चैनल पर आपको स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं दिखाऊंगा 4 पॉइंट्स के साथ कुछ मैजिक ट्रिक, तो ये मैजिक ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए इस मैजिक को पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसके बाद आपको सिखाऊंगा भी, तो चलिए देख लेते हैं आज का मैजिक ट्रिक। तो देखिए मेरे पास है 4 कॉइन्स, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर 4 कॉइन्स है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर कोई छेद नहीं है, सही से देखिए, यहाँ पर कोई छेद नहीं है, है छेद, कोई छेद नहीं है। यहाँ पर 4 कॉइन्स है, यहाँ पर कोई छेद नहीं है, 4 कॉइन्स है सिर्फ। तो मेरे पास है एक हैंडकरचीप, देखिए फ्रेंड्स एक हैंडकरचीप है, तो इसको मैं यहाँ पर रख दिया और देखिए 4 कॉइन्स यहाँ पर है, मेरे हाथ में कुछ और नहीं है। तो मैं ये जो कॉइन है इसको लूँगा और ये जो कपड़ा है टेबल का इसका अंदर मैं डालूँगा फ्रेंड्स। देखिए ये जो कॉइन लिया और इसको मैं अंदर डालूँगा और देखिए फ्रेंड्स ये ऊपर में आ गया, ठीक है देखिए आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई छेद नहीं है। तो इसको मैं फिर यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है सही से, और मैं लूँगा दूसरा कॉइन, फिर इसको भी मैं ये जो कपड़ा है इसके नीचे मैं डालूँगा। देखिए इसको नीचे मैं डाल रहा हूँ और इसको हटाने के साथ साथ देखिए फिर से 2 कॉइन ऊपर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई छेद है नहीं। तो फिर मैं इसको यहाँ पर रखूँगा और ये जो है 3rd कॉइन लूँगा और इसको भी मैं कपड़ा के अंदर डाल रहा हूँ और देखिए 3rd कॉइन आ चुका है। अभी फिर इसको मैं रख देता हूँ और ये जो लास्ट या 4 कॉइन से इसको मैं अंदर डाल दिया और देखिए 4 कॉइन ऊपर में आ चुका है और रुमाल में कोई कॉइन्स है नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 के 4 कॉइन्स फिर से आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई छेद कुछ है नहीं, ठीक है पूरा सिंपल सा है, लेकिन 4 कॉइन्स आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा मैजिक ट्रिक है, तो ये मैजिक ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा अभी इस मैजिक में ही सिखाऊंगा। तो एक बहुत सिंपल सा मैजिक ट्रिक है, लेकिन है बहुत बढ़िया मैजिक ट्रिक, आप किसी को भी दिखाइए बहुत अच्छा लगेगा उनको। तो चलिए इस हैंडकरचीफ और इस 4 कॉइन का मैजिक आज जान लेते हैं, इस मैजिक का ट्रिक क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस मैजिक को करने के लिए चाहिए आपको कुछ कॉइन्स और एक हैंडकरचीफ, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मेरे पास है कुछ कॉइन्स, 4 कॉइन्स, ठीक है, और एक कॉइन्स आपको चाहिए। देखिए मेरे पास है 5 कॉइन्स, टोटल आपको चाहिए 5 कॉइन्स चाहिए, एक एक कॉइन चाहिए। जैसे कि अगर आप 1 रुपये का कॉइन लीजिए तो पूरा का 5 कॉइन आपको 5 कॉइन्स ही चाहिए 1 रुपये का, अगर 2 रुपये है तो पूरा 5 कॉइन आपको 2 रुपये का चाहिए, एक ही तरह का 5 कॉइन चाहिए आपको। इसके बाद चाहिए आपको एक हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या कहता है, ये जो कॉइन था इसको मैंने यहाँ पर रखा था, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर रखा था, और ये जो हैंडकरचीफ है इसको मैं यहाँ पर रख दिया था, आप ऐसे करके रख दीजिए, ऐसे रख दिया था। इसके बाद आपको बोला कि मेरे पास 4 कॉइन्स है, तो मैं इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पहले इसको यहाँ पर रखा था। इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो हैंडकरचीफ है इसको मैंने उठाया था, उठाने के साथ साथ देखिए ये जो कॉइन है इसको भी पकड़ लिया था, यहाँ पर रखा था मैंने, तो इसको यहाँ पर लिया और यहाँ से ऐसे रखा। तो रखने के टाइम आप सोच रहे हैं हाँ सिर्फ मैं यहाँ पर हैंडकरचीफ रख रखा हूँ, लेकिन देखिए फ्रेंड्स उसके साथ कॉइन भी यहाँ पर मैंने रख दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, एक कॉइन को लिया और मैं आपको बताया कि हाँ इस कपड़े के अंदर डाल रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ फिर से देखिए, एक कॉइन लिया मैं अंदर हाथ भी लेके गया, इसके बाद जब इस रुमाल को खींचा तब इसके साथ कॉइन को भी निकाल के ले आया मैं बाहर, तो ऐसे करके ले आया। तो आप सोच रहे हैं हाँ जो कॉइन मैं अंदर से डाला वो ऊपर आ चुका है, लेकिन वो कॉइन नहीं आया, वो कॉइन मेरा हाथ में रह गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पर रख दिया, तो देखिए अभी आ चुका है 2 कॉइन्स, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ पर सिर्फ 1 कॉइन है, तो इसको मैं फेल लिया, फिर तो अंदर डाला और फिर मैं रुमाल कैसे खींचा, तो आप सोच रहे हैं वो कॉइन भी ऊपर आ चुका है, लेकिन वो कॉइन अभी भी मेरा हाथों में ही है, वो ठीक वाला कॉइन आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद मैं एक रुमाल हटा के करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए मैं सोचिए आ चुका है, ठीक है, अभी ये जो कॉइन है मैं इसको यहाँ पर रखा और दूसरा कॉइन लिया, ठीक है, सोचिए कि यहाँ पर एक हैंडकरचीफ है, ठीक है, अभी एक कॉइन लिया
और इसे अंदर डाला, ऐसे से किया और रुमाल को हटाया और देखिए यहाँ पर सोचिए हैंडकरचीफ है तो दो आ चुका है। इसके बाद फिर क्या क्या, इस हैंडकरचीफ को लिया और यहाँ पर रख दिया और ढक दिया। उसके बाद मैं तीसरा कॉइन लिया, इसको भी अंदर डाला और फिर हैंडकरचीफ खींचा और यहाँ पर अलग कर दिया ऐसे करके। तो आप सोच गए फिर आ गया, फिर यहाँ पर ऐसे रखा तो मैं इसको ऐसे रख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद फोर कॉइन्स लिया, फोर कॉइन्स की जब बारी आता है तो एक कॉइन को मैं और बाहर नहीं ले आया था, इसको अंदर ही डाल रहा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने हाथ को ऐसे निकाला तो फोर कॉइन ऐसे आ चुका था। तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल सा तरीका, और एक मूव मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि देखिए लास्ट कॉइन मैंने दिखा देता हूँ, मैं एक ऐसे हैंडकरचीफ दिखाया और ऐसे लिया, इसके बाद जब लास्ट में यहाँ पर इसको यहाँ पर रखा तो देखिए फोर कॉइन आ चुका है। तो इसके बाद ये जो कॉइन है इसको मैंने लिया और ऐसे अंदर डाल दिया और लास्ट में हाथ को ऐसे निकाल लिया, इसके बाद ऐसे छोड़ दिया। तो आपको लग रहा है हाँ छेद होकर जादू से आ रहा है, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है, सिर्फ ट्रिक है, एक चालाकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे मैजिशियन मैजिक दिखाता है। तो आपको ये राज मैंने बता दिया आज फ्रेंड्स। तो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और आपको दोस्त को शेयर करना, और अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं इस चैनल का तो इस चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और देखते रहिए मेरा न्यू मैजिक थी। तो ये वीडियो तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आप इस मैजिक को समझ नहीं पाए सही से तो मेरे को कॉमेंट कर दीजिए कॉमेंट बॉक्स में, मैं आपको सही से और भी बता दूँगा फ्रेंड्स। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया है नीचे में, और भी अच्छा अच्छा मैजिक देखने के लिए सर्च करिए मैजिक ट्रिक रिव्यू नाजू चैनल। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर एक नया मैजिक ट्रिक में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय एंड थैंक यू।